हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इन टेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला था उसकी लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम यही जानेंगे BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करें। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जो कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन की अगर डिटेल वगैरह फिलअप करना हो, क्योंकि फ्रेंड इस बार SGPA और CGPA में ही आप सभी छात्रों का रिजल्ट आया, तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करके फिलअप करना है, और फिर जो कि मेजर माइनर सब्जेक्ट वगैरह को सेलेक्ट कैसे करना है, और तो वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया और कोर्कुलर सब्जेक्ट वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने मोबाइल फोन से ईजिली कैसे फिलअप कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड, इसलिए आप सभी शायद वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर कहीं आपका सब्जेक्ट वगैरह मिसमैच या तो मिस्टेक मतलब रॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए करेक्शन का वेट वगैरह भी करना होगा। इसलिए फ्रेंड, आप सभी शायद जो भी डाउट हो सब्जेक्ट सेलेक्शन वगैरह कैसे करना, मेजर माइनर वगैरह, तो इस वीडियो में जो कि आपको फुल प्रोसेस मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाया गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड, इसलिए आप सभी शायद वीडियो देख के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही मिलती है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। फ्रेंड, हमें गूगल पे जाना, जहाँ सर्च करना BBSP। तो फ्रेंड, हम जैसे BBSP सर्च करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन, जिसमें फ्रेंड सबसे ऊपर या www.bbsp.ac.in, तो फ्रेंड हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हो, जिसमें दिया क्लिक हियर फॉर कैंपस ऑनलाइन फीस वगैरह के बारे में दिया सबसे ऊपर, और फ्रेंड नीचे दिया क्लिक हियर टू विजिट BBSP रेगुलर वेबसाइट। तो फ्रेंड, हमें क्लिक हियर टू विजिट BBSP रेगुलर वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम जैसे ही उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों को नीचे स्लाइड करते हुए जाना। फ्रेंड, जैसे ही नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे तो फ्रेंड एक ऑप्शन दिया एग्जामिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, हमें इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे BBSP के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के ऑफिशियल साइट पर जो कि लिंक जनरेट हुआ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया मेन रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म सेशन 2022-23। फ्रेंड, यहाँ पे एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022-23 वाले जो सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया उस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो फ्रेंड हमें यहाँ बीकॉम जो कि यहाँ पे BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देख सकते सबसे नीचे दिया एग्जाम फॉर्म फॉर BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम फॉर्म BA BSc बीकॉम थर्ड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, हमें इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, हम जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कि एक ऑप्शन ओपन हुआ, जिसमें आप सभी चाहते हो इंटरव्यू सेकेंड सेमेस्टर का जो रोल नंबर होगा BA BSc बीकॉम जो भी स्टूडेंट हो सभी छात्रों को यहाँ पे फिलअप करना है। और फ्रेंड, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी दी हुई है, जिसमें दिया गया है जिसमें आजमगढ़ और मऊ जिले के छात्र थर्ड सेमेस्टर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे आजमगढ़ और मऊ जिले के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों का जो कि अब आजमगढ़ यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके एग्जाम भी कराया जा रहा है इस समय। तो फ्रेंड, इसलिए उन सभी छात्रों का जो कि फॉर्म को नहीं फिलअप करना। और फ्रेंड, सेकेंड नंबर पे यह कॉलेज सुनिश्चित कर ले प्रत्येक छात्र के मेजर विषय में अंकित हो, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट कर दे, हम दूसरा फॉर्म भरने करें। तो फ्रेंड, आप जो कॉलेज में यह सुनिश्चित कर प्रत्येक छात्र के मेजर विषय फॉर्म में अंकित हो। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को जो कि कॉलेज के द्वारा यह सुनिश्चित कर ले कि यहाँ पे जो कि मेजर विषय के साथ यहाँ पे सुनिश्चित जो एग्जामिनेशन फॉर्म में हो जो सब्जेक्ट होता है ना फ्रेंड, आप मेजर माइनर हो गया तो सभी तो यहाँ पे मेजर विषय भी सेलेक्ट रहना चाहिए। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पे जो कि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का रोल नंबर फिलअप करके फील एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने सेकेंड सेमेस्टर का रोल नंबर को फिलअप कर लेते हैं। फ्रेंड, हम रोल नंबर को ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। फिलअप करने के बाद फिर फ्रेंड यहाँ पे नीचे दिया फील एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी छात्रों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों का यहाँ पे डाटा ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों के यहाँ पे जो कि ऑलरेडी फॉर्म में फिलअप सेकेंड सेमेस्टर का जो कि नेम वगैरह सब कुछ फिलअप है, जिसमें यहाँ पे कोर्स टाइप दिया है, कोर्स नेम दिया गया है, कोर्स ईयर और सेमेस्टर दिया, तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, और रेगुलर दिया गया, एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे आप सभी छात्रों को फिलअप किया गया, और
फ्रेंड यहाँ पे आप सभी चाहे तो कहीं रॉन्ग हो गया, नाम नाम भी दिया गया, फादर नेम हिंदी में, इंग्लिश में, मदर नेम भी दिया गया, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, कैटेगरी वगैरह सब कुछ दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सभी चाहे तो कहीं भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, और ऑलरेडी आप सभी चाहे तो यहाँ पे फिलअप मोबाइल नंबर भी फिलअप होके दिया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया, आधार नंबर भी दिया, और कास्ट वगैरह भी दिया गया। तो यहाँ पे आप सभी चाहे तो यहाँ पे कॉलेज नेम वगैरह दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया फैकल्टी या कॉमर्स, तो फ्रेंड ऐसे ही फैकल्टी या पार्ट फैकल्टी या साइंस रहेगा, उस पर आप सभी चाहे तो यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका जो कि सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी लॉ हो गया, कास्ट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। फ्रेंड यहाँ पे आपसे चाहते हो कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है बीकॉम के, यहाँ पे फोर सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, कंपनी लॉ, कास्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। तो फ्रेंड हमें फिर करते हुए नीचे जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, माइनर पेपर, कॉर्कुलर पेपर एंड वोकेशनल पेपर। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनर पेपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आप सभी चाहते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आप सभी चाहते हो जो भी माइनर पेपर है। तो इनका फ्रेंड जो कि माइनर पेपर इकोनॉमिक्स है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेंगे इकोनॉमिक्स, बस इको लिख देंगे तो आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ जाए इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स थॉट। तो फ्रेंड हमें इस वाले ऑप्शन इनका माइनर पेपर इकोनॉमिक्स है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप सभी चाहते हो जैसे बीएससी वगैरह में जो कि यहाँ पे मैथ वगैरह होगा, जियोग्राफी वगैरह होगा, और बीए वगैरह में भी इकोनॉमिक्स या अधिकतर स्टूडेंट सेलेक्ट किए, नहीं तो हिंदी वगैरह हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनर पेपर में आप सभी चाहते हो कि इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट कर लेना। वहाँ पे जो कि कॉर्कुलर सब्जेक्ट में सब आप सभी चाहते हो ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल करके, जो कि आप सभी चाहते हो कि यहाँ पे कंपलसरी है, सभी छात्र जो भी थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी छात्रों के जो कि यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट करके जो भी होगा यहाँ पे वही सब्जेक्ट रहेगा थर्ड सेमेस्टर। जैसे फ्रेंड आप सभी छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नहीं फूड न्यूट्रिशन, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ करके था, और थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल करके दिया गया। और फ्रेंड यहाँ पे वोकेशनल पेपर में फ्रेंड आप सभी चाहते हो कि यहाँ पे योगा सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में योगा प्रोग्रेसिव करके जो पेपर हुआ था उसका हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सभी चाहते हो योगा सेलेक्ट कर लेना। फिर हमें स्लाइड करते हुए नीचे जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप सभी चाहते हो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया गया, जैसे फ्रेंड यहाँ पे मतलब एड्रेस दिया गया, डिस्ट्रिक्ट दिया गया, और पिन कोड वगैरह भी दिया गया। तो फ्रेंड हमें सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो फ्रेंड एक बार हम जो कि फॉर्म जो फिलअप हुआ उसको एक बार ऊपर से देख लेते हैं कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ। तो फ्रेंड एक बार स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे उसके बाद देख लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट हो गया, थर्ड सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, रेगुलर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम हिंदी में इंग्लिश में सब में दिया, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिलीजियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड इनका फिलअप हो चुका है। फ्रेंड फिर यहाँ पे ऑलरेडी सब डिटेल यहाँ पे फिलअप हो चुका है। फिर फ्रेंड हमें सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड हम जैसे ही सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनका जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनके जो कि इनको यहाँ पे दिया गया, योर फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, कैंडिडेट फॉर्म, फॉर्म नंबर इतना, प्रिंट, सबमिट इन टू कॉलेज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि फॉर्म नंबर इनका दे इसका इसको आप सबसे ज्यादा स्क्रीन शॉट लेके फिर यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर पे यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सब कुछ। तो फ्रेंड हमें नीचे स्लाइड करते हुए जाना है। फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह भी देख सकते हैं, कंपनी ला, कास्ट, अकाउंट, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड वही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के सबसे पहले नोटिस गाइडलाइंस में दिया। फ्रेंड यहाँ पे मेजर, माइनर, वोकेशनल, कॉर्कुलर सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ शो करा है, जो कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइन में सबसे पहले यही बोला गया था सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ शो होना चाहिए, तभी फॉर्म आपका कॉलेज वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि इसको प्रिंट करने के लिए आप सभी छात्रों को सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट दिया है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर आप सभी छात्रों को क्लिक करना। तो फ्रेंड जैसे ही शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पे प्रिंट, देख नीचे जो कि यहाँ पे दिया गया प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका जो कि यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेकर फ्रेंड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही मिलती है। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।